तो जय हिंद साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, शायद आप में से मेरे कई दोस्तों का दिल टूटा होगा, चाहे वजह कोई भी हो। किसी का दिल किसी लड़की या लड़के की वजह से टूटा होगा, या किसी का दिल परीक्षा में असफलता की वजह से होगा, या कोई अन्य कारणों की वजह से आपका दिल टूटा होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है, और जो आपको छोड़ के चले गया ना, उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। आप जितना उसके बारे में सोचोगे ना, उतने परेशान होते जाओगे। ये ह्यूमन माइंड का पूरा बिहेवियर है। हम जिस चीज़ के बारे में जितना सोचते हैं ना, हम वैसे ही होते जाते हैं। अगर आप अपने दुखों के अपने तकलीफ़ों के बारे में सोचोगे, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही नेगेटिविटी में रहेगी। साइंस भी कहता है, हमारा माइंड में हम जो जो सोचेंगे, हम वैसे वैसे होते जाएंगे। इसलिए आपके साथ जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ एक लंबी सांस लीजिए और अपने भविष्य में आगे की ओर सोचिए, आपको करना क्या है। जो इंसान आज आपको छोड़ के गया ना, वो भी अच्छा ही है आपके भले के लिए। आज आपके लिए वो सिर्फ तकलीफ है। समझता हूँ मैं आप कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत रखनी है, टूटकर बिखरना नहीं है। क्योंकि ये दुनिया ना आंसू बहाने वालों पर अक्सर हंसती है मेरे दोस्त। इसलिए अपने आंसुओं को पी जाओ और उसे उस ज्वालामुखी के लावे की तरह बना लो, जो इस दुनिया पे एक दिन फटे, लेकिन वो फटना तुम्हारी सफलता हो। तुम इतना बड़ा नाम कमा के दिखाओ कि सब लोग तुम्हारी वाहवाही करें कि ये बंदा कैसे दुख और तकलीफ़ों से गुजरा, लेकिन उसके बाद भी देखो आज ये किस मुकाम पर आप हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। आप में से मेरे बहुत से छोटे भाई बहन होंगे और बहुत से मुझसे बड़े होंगे, लेकिन आप सभी को, आपका भाई, आपका दोस्त और आपका टीचर होने के नाते मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। कभी भी कोई लड़का या लड़की आपको धोखा दे के जाए, तो आपको निराश नहीं होना, टूटना नहीं है। दर्द हो रहा है, होन दो, उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ और उस ताकत को उस जगह उपयोग करो जहाँ पे आपको सफल होना है, एक बड़ा मुकाम हासिल करो। ये जो लोग आज तुम्हें छोड़ के चले गए ना, तुम्हारी इस हालत को देखकर एक दिन यही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, तुम्हारे लिए वाहवाही लुट करेंगे। और यही जो लड़का और लड़की जो तुम्हें आज तुम्हारी तंगहाली, गरीबी और तुम्हारे स्ट्रगल, संघर्ष को देखकर तुम्हें छोड़ के चले गए अकेला, ये लोग एक दिन तुम्हारे लिए पछताएंगे कि काश मैं उस वक्त उसका साथ दे देती, तो आज उसकी सफलताओं में मैं हिस्सेदार होती। लेकिन जो हुआ सो हुआ। इसे दो कोड़ी के लोगों के लिए, कभी भी अपने दिमाग पर 2% का भी लोड मत देना, क्योंकि ये दो कोड़ी के लोग जो तुम्हें छोड़ के गए ना, ये उसी लायक थे, आज यहाँ कल वहाँ। ये सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए ही तुम्हारी ज़िंदगी में आए थे। शुक्र करो हमारे प्रभु का। आप जिस भी परमेश्वर भगवान को मानते हो, उसका धन्यवाद करो कि आपने उस जाहिल और दो कोड़ी के इंसान से आपको बचा लिया। जो इंसान आज आपका साथ नहीं दे सकता, आपके बुरे वक्त में आज साथ नहीं दे सकता, वो भविष्य में आपका क्या साथ देगा? जरा तो सोचो। जरा जो आज आपको छोड़ के चले गया ना, छोड़ दो, जान दो, वो अपने रास्ते पे गया, तुम अपने रास्ते पे चले जाओ। एक ने एक दिन तो उसको भी एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती करके गया, और तुम कुछ दिन दर्द होगा, होने दो, बस उस दर्द की ओर कभी ज़्यादा सोचना मत। हमेशा उससे ध्यान हटाने के लिए
कुछ ऐसा करो जिससे उस पर ध्यान न जाए। जैसे किताबें पढ़ो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो। आप चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, मुझे उससे कोई वो सरोकार नहीं, बस आप अपने धर्म ग्रंथ को उठाइए, पढ़िए, उसके अंदर कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी है। वो हमें हमेशा सत्य के मार्ग और हमें अकेलेपन से उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस परमेश्वर से कनेक्ट करती है जिसने हमें भेजा है, जिसकी एक योजना है हमें इस दुनिया में भेजने की। वह हमसे वह करवाना चाहता है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, अपने जीवन को इतना सस्ता मत करो कि किसी दो कोड़ी के इंसान की वजह से उसे बर्बाद करना पड़े, उसकी वजह से मरना पड़े, या फिर कुछ ऐसी हरकत करना पड़े जिससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। हमें भेजने वाला परमेश्वर हमारी हालत को देखकर बहुत दुखी होगा। वो नहीं चाहता कि हम दुखी रहे, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। सोचो कितना प्यार वो करता है हमें। इस दुनिया में उसने भेजा ताकि हम उसके लिए कुछ ऐसा कर सके, ताकि जब हम मरने के बाद उसके पास जाए तो उसे भी गर्व हो कि मेरा बच्चा इस दुनिया में कुछ ऐसा करके आया जिससे मेरा नाम हो रहा। हमें सभी लोगों से प्यार से, मोहब्बत से बातें करनी है, उनसे अच्छा व्यवहार करना है। जिसने हमारे साथ बुरा किया ना, उनके साथ भी जान दो, उसके उसका चरित्र है बुरा करना, करने दो। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बार बार बुरा करे ना, कभी उसका साथ मत रहना, उसको छोड़ देना। क्या? क्योंकि बुराई के साथ तक ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति ना उस सांप की तरह होता है ना, जो सिर्फ डसता रहता है और मूर्खता ना दिखाना ऐसे लोगों के साथ रहकर। जान दो जो जा रहा, छोड़ते उसको जान दो। बस कहते ना कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। मतलब परमेश्वर ने दिया था हमें, परमेश्वर ने ले लिया, इसलिए छोड़ो। परमेश्वर की योजना उसी तक समय सकते, इसलिए तब तक उसके साथ रहा। वो छोड़ के चला गया, उसने हमारे लिए अच्छा कुछ सोच के रखा, वो देगा हमें, है ना साथियों। इसलिए हमें किसी चीज न आने वाले के लिए खुशी मनाना है, न जाने वाले के लिए गम। ये तो कुछ पल की खुशी और गम है, ये तो आता रहेगा, जाता रहेगा। हमें फोकस रखना है उसके लिए, जिस काम के लिए उसने हमें भेजा है। आपके जीवन में आपको वो काम पूरा करना है जिस काम के लिए आपको भेजा है। इसलिए मेरे साथियों, परमेश्वर का, करियर का और आप खुद का सोचिए। ये वीडियो मोटिवेशनल के साथ साथ आपको उस रास्ते की ओर मोड़ने के लिए था, जिस रास्ते को हम इस दुनिया में अध्यात्म की दुनिया बोलते हैं। हमारा हिंदू धर्म भी बहुत विस्तृत है, इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं। अगर आप धर्म को नहीं भी मानते तो भी आपको धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। उसके अंदर आपको वो अथक ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान से आपके जीवन बदल जाएगा, आपके अंदर नैतिकता आएगी। धर्म कोई भी हो सकता है उसके अंदर आपकी समझ से बाहर कुछ चीज़ें हो सकता है, आपको लगता हो कि ये अवैज्ञानिक है, लेकिन उसका अध्यात्म से लेकर बहुत बड़ा रिश्ता है। हर धर्मग्रंथ हमें परमेश्वर से संपर्क में लाता है, इसलिए हमेशा अपने धर्म ग्रंथों को पहला स्थान दीजिए। लोगों की बातों में हमेशा अध्यात्म की ओर बढ़िए, अपने दिमाग और अपनी आत्मा के साथ काम करिए, तो इस दुनिया में आपका जो अच्छा बुरा कुछ भी होगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज इतना ही वीडियो में। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो और चाहिए तो कमेंट में बताइए। आपको ऐसे मोटिवेशनल और सीखने वाले वीडियो जरूर मिलते रहेंगे। सबको जय हिंद और गॉड ब्लेस यू।